डियर स्टूडेंट, टुडे वील डिस्कस द मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन. सो देयर इज द टू टर्म, वन इज कॉल्ड द मोशन एंड दिस इज कॉल्ड स्ट्रेट लाइन. सो एनी ऑब्जेक्ट हुज मोशन हुज पोजिशन वेरिएशन इन ए वन डायरेक्शनल, वन स्ट्रेट लाइन मीन्स वन डायरेक्शन, या तो आपका एक्स डायरेक्शन हो सकता है, या आपका वाई डायरेक्शन हो सकता है, या आपका जेड डायरेक्शन, किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जब आपका मोशन होगा, ठीक है, तो उसको हम लोग मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन हम लोग बोलेंगे. इसका एक टर्म है, उसको हम लोग बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन. किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का जब मोशन आपका एक पर्टिकुलर पाथ में हो, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो, ठीक है ना, जैसे कि वन डी मोशन हो. वन डी मतलब आइदर ये एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन, किसी एक डायरेक्शन में हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन. यहाँ पे एक लिफ्ट है जो कि वाई डायरेक्शन में मूव करने के लिए स्वतंत्र है. दिस लिफ्ट इज मूविंग इन वाई डायरेक्शन बिकॉज दिस लिफ्ट इज कंस्ट्रेंट टू मूव इन वाई डायरेक्शन, इट इज़ नॉट मूविंग इन एक्स डायरेक्शन. लिफ्ट चाह करके भी एक्स डायरेक्शन मूव नहीं कर सकता है क्योंकि उसे वाई डायरेक्शन मूव करना है. वर्टिकल डायरेक्शन को हमने वाई माना हुआ है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में वाई है, तो वाई डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है. सिमिलरली अगर मोशन को हमने कंस्ट्रेंट कर रखा है एक्स डायरेक्शन मूव करने के लिए, कंस्ट्रेंट मतलब वो उस एक ही डायरेक्शन मूव कर सकता है, दूसरे डायरेक्शन मूव करने के लिए स्वतंत्र नहीं है, तो उसके मोशन को हम लोग कंस्ट्रेंट मोशन बोलते हैं. तो यहाँ पर मान लो ट्रेन है, तो ट्रेन ये किसी पर्टिकुलर रेल के ऊपर मूव कर रहा है, रेल के ऊपर कर रहा है, और ये रेल स्ट्रेट है, तो रेल का जो मोशन होगा है एक्स डायरेक्शन में होगा, ठीक है. तो ये आपका जो है ना रेक्टिलिनियर एग्जाम मोशन का एग्जाम्पल होगा, ठीक है. यहाँ पे भी देख दे, कोई एक बॉल है एक पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है, एक्स डायरेक्शन मूव कर रहा है. पर्टिकुलर टी टाइम पे पी पोजिशन पे था, उसके बाद पी डैश टी प्लस डेल्टा टी टाइम पे पी डैश पोजिशन पे हो गया, तो इस तरह का जो मोशन हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन. नेक्स्ट जो आपका मोशंस हैं वो आपका कंबाइंड प्रॉपर्टी है, क्योंकि मोशन बेसिकली है क्या कि मोशन है कि किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का जो पोजीशंस है वो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज करे, तो उसको हम लोग ये बोला जाता है कि ऑब्जेक्ट मोशन में है, ठीक है. तो इसमें चूंकि जो मोशंस हैं एक कंबाइंड प्रॉपर्टीज़ हैं, कंबाइंड प्रॉपर्टी मतलब आपका जो मोशन है वो एक ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में वेरी करेगा, ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल सपोज मान लेते हैं कि कोई ट्रेन है, किस ट्रेन में दो पैसेंजर्स हैं, एक बोगी के अंदर दो पैसेंजर्स हैं. सपोज मान लो ये पैसेंजर ए है, दूसरा ये पैसेंजर आपका जो है बी है, दो पैसेंजर हैं, और ये जो ट्रेन है आपका वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है, ये वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है. तो ए और बी आपस में मूव कर नहीं रहा है, एक रिस्पेक्ट में बी का जो मोशन है वो रेस्ट का है, बी के रिस्पेक्ट में ए का जो मोशन है वो जीरो है, मतलब दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है. लेकिन एक थर्ड पर्सन है जो कि ग्राउंड पर है, ठीक है, सी ग्राउंड पर सी है, ये देख रहा है कि आपका जो ट्रेन मूव कर रहा है वी वेलोसिटी से, तो उसके हिसाब से ए भी वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, सी के रिस्पेक्ट में बी भी आपका जो है बी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, लेकिन ए और बी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है. तो अगर मैं मोशन को अगर किसी रिफरेंस के रिस्पेक्ट में अगर मैं कंसीडर करूं, किसी रिफरेंस के रिस्पेक्ट में कंसीडर करूं, तो तब हम उसको डिफाइन कर पाएंगे. सी के रिस्पेक्ट में ए भी मूव कर रहा है लेकिन ए के रिस्पेक्ट में बी मूव नहीं कर रहा है. सो दैट इज वॉट दिस इज कॉल्ड द कंबाइंड प्रॉपर्टी. दिस मोशन इज बेसिकली डिपेंड्स अपॉन ए ऑब्जर्वर, और द ऑब्जर्वर इज समटाइम इट इज कॉल्ड द फ्रेम ऑफ रेफरेंस. इसको हम लोग बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस. फ्रेम ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है, ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस इसको बोलते हैं. दिस इज कॉल्ड द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है. तो किस फ्रेम में है, तो अभी दो एग्जांपल आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि रेस्ट बेसिकली है क्या और मोशन है क्या. तो रेस्ट है कि अगर मान लें किसी बॉडी का
पोजीशंस टाइम के साथ वेरी नहीं कर रहा है, ठीक है, तो उसको हम लोग रेस्ट में बोलेंगे। तो टाइम के साथ वेरी नहीं कर रहा है इसका मतलब किसी पर्टिकुलर रिफरेंस पॉइंट से हमको उसका मोशंस देखना पड़ेगा। तो सपोज मान ले बुक रखा हुआ है टेबल पे और आप उस आप बगल में खड़े हैं, तो बुक रेस्ट कंडीशन में है। कोई बच्चा प्लेग्राउंड पे खेल रहा है, आपके रिस्पेक्ट में वो बच्चा मूव कर रहा है, तो आपके रिस्पेक्ट में आप जो रिफरेंस है तो उस रिफरेंस के रिस्पेक्ट में ही आप मोशन को डिफाइन आप कर सकते हो, ठीक है। अब उसके लिए एक एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है कि सपोज मान लेते हैं ये गर्ल है, ये गर्ल्स लेटी गर्ल्स है, ये फ्रेम ऑफ रिफरेंस है, ये ऑब्जर्वर है, दिस गर्ल इज ऑब्जर्वर। तो इसके रिस्पेक्ट में एक बंदा सोया हुआ है, दूसरा जो है ग्रैंड मॉम जो है वो सोफा पे बैठी हुई है, तो इसके रिस्पेक्ट में आपका जो है जो मोशंस हैं ये रेस्ट कंडीशन में है। दिस ऑब्जेक्ट, ये अगर ऑब्जेक्ट है, दिस इज ऑब्जेक्ट, तो ये आपका रेस्ट कंडीशन में है। ये ऑब्जेक्ट है, इसको मार ट्रीट करोगे तो आप ये रेस्ट कंडीशन में। लेकिन इस गर्ल के रिस्पेक्ट में चूंकि ये एथलीट है, ये मूव कर रहा है, इसका टाइम के रिस्पेक्ट में इसका जो डिस्टेंस है और डिस्प्लेसमेंट है वो चेंज, बाद में हम देखेंगे डिस्टेंस डिस्टेंस क्या होता है। ये हमेशा टाइम के रिस्पेक्ट से पोजीशन चेंज हो रहा है तो ये आपका मोशन में है, ठीक है। ये बॉय का पोजीशन चेंज हो रहा है चूँकि साइकिलिंग कर रहा है तो ये आपका मोशन में है, ठीक है। तो मोशन को डिफाइन करने के लिए आपको एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो अगर कभी कभी आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिफाइंड नहीं किया जाता है प्रॉब्लम में, जैसे आपसे बोला जाएगा कि कार जो है कार इज़ मूविंग एंड रिक्शा इज़ मूविंग, इसका मतलब ये हो रहा है कि आपको जो है ना कार और रिक्शा के लिए जो ग्राउंड है वो रेफरेंस फ्रेम है, ठीक है। तो कभी कभी आपको रेफरेंस फ्रेम मेंशन नहीं किया जाता लेकिन वो रेफरेंस फ्रेम होता है, ठीक है। तो रेफरेंस फ्रेम का होना बहुत ज़रूरी है उसको रेस्ट एंड मोशन को डिफाइन करने के लिए, ठीक है। उसी तरीके से आपका अब जो किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का जो मोशन हो रहा है तो उस ऑब्जेक्ट का मोशन को डिफाइन करने के लिए हमने बताया एक फ्रेम रेफरेंस की ज़रूरत है। दूसरा है कि ये ऑब्जेक्ट का जो मोशन हो रहा है, अगर मान लो ऑब्जेक्ट वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मान लीजिए कोई व्हीकल्स है वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो जब वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है इसके मोशन को हम स्टडी कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर रेफरेंस के रिस्पेक्ट में। ये मान लेते हैं यहाँ रेफरेंस, ये रेफरेंस एक्सिस है, यहाँ से हम इसके मोशन को स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। सपोज मान लो यहाँ पोजिशन शुरू में ये आर वन डिस्टेंस पर है, बाद में ये जो है इसका पोजिशन चेंज हो करके ये मान लेते हैं यहाँ पर आ गया, ठीक है, ये आपको यहाँ पर आ गया, ठीक है, इसका पोजिशन चेंज हो गया, इसके रिस्पेक्ट में ये पोजिशन यहाँ पर ये आर टू हो गया, ठीक है। जब पोजीशन आपका चेंज हो रहा है, ठीक है, तो अभी जो मोशन है, मोशन को हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में हमने एनालाइज किया, बट अभी ये मोशन किस कारण से हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, ठीक है ना, उसके कॉज को अगर हम कंसीडर नहीं करेंगे, बस ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी को, एक्सेलरेशन के, डिस्प्लेसमेंट को, डिस्टेंस को हम मेजर करेंगे, तो इस तरीके का जो सिस्टम्स है उसको हम लोग बोलते हैं काइनेमेटिक्स। एक ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है जिसमें दैट विल डिस्क्राइब द मोशन ऑफ ए बॉडी एंड इट्स कंस्टिट्यूएंट विदाउट नोइंग द काउजेस दैट क्रिएट इट्स मोशन, सो विल नॉट कंसिडर द काउज ऑफ दैट विल क्रिएट द मोशन। तो बिना काउज को जाने उसके मोशन को स्टडी करना काइनेमेटिक्स कहलाता है। तो काइनेमेटिक्स क्या है, इट इज़ द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डिस्क्राइब द ऑब्जेक्ट मोशन विदाउट नोइंग द इट्स कॉजेज। कॉजेज मतलब व्हाट इज द फोर्स दैट इज रिक्वायर्ड टू मूव दिस ऑब्जेक्ट इन स्ट्रेट लाइन और इन ए पर्टिकुलर प्लेन, व्हाट द मोमेंट्स इज टू बी रिक्वायर्ड फॉर क्रिएटिंग द मोशन। सो दिस वेरिएबल्स need not be identified, ये हमको नहीं पता होना है करना है कि किस वजह से आपका मोशन हो रहा है, बस उसके पैरामीटर्स को हमको चेक करना है। पैरामीटर्स में वेलोसिटी कैसा है, एक्सेलरेशन कैसा हो रहा है, बॉडी का पोजीशन कैसा चेंज हो रहा है,
तो ये सारा जो एनालिसिस है, ठीक है ना, उसको हम लोग बोलते हैं काइनेमेटिक्स। अब ये जो एनालिसिस है वो मैथमेटिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया हो, जैसे आगे चल के आप पढ़ोगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ द न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशंस, वो सारे जो है ना आपको वो एक मैथमेटिकल फार्मूला है जो इस पे बेस्ड है कि आपका व्हीकल्स तो मूव कर रहा है लेकिन उसके पीछे काउज क्या है उसको जानने बिना ही आपको उसके मोशन को हमको स्टडी करना है। सो सच टाइप ऑफ द मोशन इज अंडर द काइनेमेटिक्स। ओके, तो अभी जो भी आप पढ़ेंगे चैप्टर में वो काइनेमेटिक्स ही होगा, ठीक है ना। अभी जो भी आपको पढ़ाया जाएगा वो काइनेमेटिक्स पढ़ाया जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द काइनेमेटिक्स। नाउ देयर इज, उसके बाद दूसरा एक कॉन्सेप्ट आता है कि आपका पॉइंट ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट है। अभी मैंने बोला कि व्हीकल्स मूव कर रहा है, अभी मैंने आइडेंटिफाई किया कि कोई भी कोई जो है आपका व्हीकल्स मूव कर रहा है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है। तो जब आप प्रॉब्लम को आप सॉल्व करेंगे, इसमें जब प्रॉब्लम को आप आइडेंटिफाई करेंगे कि इसकी मोशन क्या हो रहा है टाइम के साथ, इसका वेलोसिटी कितना है, इसका डिस्टेंस कितना हो रहा है, ठीक है, तो हम लोग क्या देखते हैं कि इस ऑब्जेक्ट को हम लोग एक पॉइंट मास की तरह ट्रीट करते हैं, ठीक है ना। तो पॉइंट मास को ट्रीट करने का रीजन ये होता है कि अब कि हमें जो दूसरा जो इसमें इफेक्ट है, सपोज मान लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो अगर मान लें एटमोसफेयर किसी पर्टिकुलर रास्ते में ये जा रहा है, तो जब ये वी वेलोसिटी से मूव करेगा तो आपका जो इसमें एयर इसको अपोज करेगा, एयर का फ्रिक्शन की वजह से इसकी वेलोसिटी फिर जो है डिस्टर्ब होगी, ठीक है ना। तो इस अगर मान लो हायर लेंथ का व्हीकल्स है तो इसमें जो है इसमें एक पर्टिकुलर टाइप का एक मोमेंटम क्रिएट होगा। सो थर्ड टाइप ऑफ इफेक्ट इज टू बी नेगलेक्टेड बाय कंसीडरिंग दिस व्हीकल्स एज ए सिंपल पॉइंट। उसको हम लोग एक पॉइंट मान के चलेंगे कि पॉइंट है, पॉइंट रहेगा तो इसमें ना तो एयर का ड्रैग कंसीडर होगा, ना कोई मोमेंटम इसके अंदर कुछ क्रिएट होंगे, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट में अदर इफेक्ट को नेगलीफाई करने के लिए उसके मोशन को हमको स्टडी अगर करना है, और बाकी का हमको वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, इन सब चीज़ों को पता करना है, और दूसरे इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें जो ऑब्जेक्ट कंसिडर करना पड़ेगा, दैट ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी द पॉइंट ऑब्जेक्ट। दूसरा रिलेशन ये होता है कि सपोज मान लेते हैं आप कोई ऑब्जेक्ट है, इफ द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट इज वेरी लार्ज विद रिस्पेक्ट टू इट्स साइज, उसके साइज के रिस्पेक्ट में उसका जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो रहा है वो बहुत ज़्यादा है, तो उस केसेस में हम ये मान के चलें कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, पॉइंट है। उसके एक एग्जाम्पल्स हम लोग समझ लेते हैं। सपोज मान लेते हैं कि ये मास ऑर्बिट सिस्टम है, ठीक है, तो अभी आप देख रहे हो कि ये बीच में सेंटर पे आपको यहाँ ये सन है, ये आपको सन है, और आपका प्लेनेट मूव कर रहा है। तो अगर मान लो कोई प्लेनेट, अगर मैं ये जुपिटर मान लो ये जुपिटर है, तो डिस्टेंस ऑफ जुपिटर विद द सन इज़ वेरी लार्ज, ठीक है ना। अगर ये किसी पर्टिकुलर आपका ऑर्बिट में मूव कर रहा है और इस ऑर्बिट को हमको पता करना है कि कितना दिन लग में ये मूव करेगा, तो उसके लिए हमको इसके सेंटर्स और इसके सेंटर से सन के सेंटर से हमको क्या करना है, एक डिस्टेंस हमको पता होना चाहिए। इस डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में आपका जो इस प्लेनेट का जो जो डायमीटर और रेडियस है, दिस रेडियस इज़ वेरी वेरी स्मॉल, दैट इज़ वाई वी नेगलेक्ट दिस मास, दिस ऑब्जेक्ट, और ट्रीट दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट एज ए पॉइंट मास। इस ऑब्जेक्ट को हम लोग पॉइंट मास की तरह हम लोग ट्रीट करते हैं, ठीक है, क्योंकि जब ये मूव कर रहा होता है तो ये अपने एक्सिस पे स्पिन भी कर रहा होता है, ये अपने एक्सिस पे स्पिन भी कर रहा है, ठीक है। तो जब इसकी स्पिनिंग इफेक्ट को हमको नेगलेक्ट करने के लिए, और ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसको हमको पॉइंट मास कंसीडर करना पड़ता है, ठीक है ना। तो पॉइंट मास का बेसिकली कॉन्सेप्ट यही है कि आपको जो भी आप ऑब्जेक्ट है उसको डिफरेंट पैरामीटर को फाइंड करने के लिए, वेलोसिटी को, एक्सेलरेशन को, डिस्टेंस को, ठीक है, विदाउट अल्टरिंग बाय द अदर इफेक्ट्स और द कॉजेस, ठीक है ना, हम लोग द ऑब्जेक्ट इज ट्रीटेड एज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट।